कंट्रोल सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आके अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा फुटर एरिया भी आ चुका है। फ्रेंड्स अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें गैप चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आके अपना शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो एक ब्रेक का टैग आ गया। कंट्रोल सेव कर देता हूँ मैं और अपना यहाँ जाके चेक करता हूँ तो ये मेरा आ गया। फ्रेंड्स मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइडर एरिया जो हमारा है यहाँ पर एक मैं पिक्चर ले आऊँ। तो अब पिक्चर किस तरीके से लाई जाए तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है अपनी जो हाइट होगी स्लाइडर के हमें उसके अंदर जाना है टेबल में। ये तो नेविगेशन है, ये स्लाइडर का है। तो मैं यहाँ पर आके अपना जो एरिया है यहाँ पर बैकग्राउंड का, यहाँ पर आने के बाद मैं एक बैकग्राउंड का वो खुल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ पर अपनी पिक्चर ब्राउज करता हूँ। तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ अपनी, यहाँ पर तो मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं। तो मैं यहाँ पर जाने के बाद अपने जो टेम्पलेट्स मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं मैं वहाँ पर जाकर एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि जो आपने अपनी जो इंडेक्स फाइल जो है आपने डेस्कटॉप पे सेव की है तो आपको ये पिक्चर भी अपनी डेस्कटॉप पे सेव करनी होगी। हमने कहा सही है, ओके कर दो। उसने कहा 3 नेम्स होगी, हमने कहा ओके। कंट्रोल सेव करता हूँ। तो अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ फ्रेंड्स और चेक करता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी स्लाइडर पे इमेज आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरीके की है। ये देखें फ्रेंड्स इस तरीके की कुछ इमेज है, लेकिन जो हमारा ब्राउज़र पे वो हमारा स्लाइडर दिखा रहा है वो ऊपर का हिस्सा दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको आने वाली वीडियो में यही बताऊंगा कि हम किस तरीके से एक इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सही है फ्रेंड्स, और हम इमेजेस के काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। सही है फ्रेंड्स, और हम उसको जो है किस तरीके से एनिमेशन के थ्रू हम एक इमेज को अच्छा दिखा सकते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।